तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, दो मिनट में आपको सिखाऊंगा कि अटेंडेंस आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे। यहां पर तो एक छोटा सा अटेंडेंस है, लेकिन आपका कोई भी बड़ा अटेंडेंस हो उसको अगर रिकॉर्ड करना चाहते हो आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, यहां पर अगर बीच में संडे भी पड़ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो मैं ये दिखा दूं कि ये कैसे रिकॉर्ड करेंगे अटेंडेंस। देखिए, दो मिनट में कैसे, इज इक्वल टू काउंट इफ लगाइएगा, सीधा काउंट इफ लगाइएगा, काउंट इफ ही लगाना है। और यहां से क्या करना है, ये जो दिया गया ना प्रेजेंट प्रेजेंट, इसको सेलेक्ट कर दीजिएगा। सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद यहां क्या करना है, कॉमा लगाना है और डबल कॉमा में लिखना है आपको पी। क्या लिखना है, पी लिखना है और ब्रैकेट को क्लोज करना है, एंटर करना है। तो यहां पर देखिए, छह दिन ये प्रेजेंट रहे हैं और यहां पर नीचे ड्रैग कर देंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये रिजल्ट आ जाएगा। आप एब्सेंट कितने दिन ये लोग रहे हैं वो देख लेते हैं। पी ओ यू एन टी काउंट इफ लगाइए और इफ लगाने के बाद इस तरीके से इसको सेलेक्ट कीजिए, ठीक है, और ब्रैकेट में आपको कॉमा देने के बाद डबल कॉमा में लिखना है ए और एंटर करना है। तो यहां देखिए, ये बच्चा जीरो दिन एब्सेंट है और जिस तरीके से ड्रैग कर देंगे तो सबका एब्सेंट निकल जाएगा। ये करेक्ट वे है, ये सही तरीका है अटेंडेंस को रिकॉर्ड करने का, ठीक है। अब मान लीजिए कहीं बीच में संडे पड़ जाता हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं एक प्रेजेंट वाला लगा के दिखा देता हूँ, इसमें कैसे करेंगे आप, इसको मैं हटाता हूँ। मान लीजिए यहां पर संडे पड़ गया हो, ये एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूँ कि यहां पर अगर संडे पड़ा हो तो ये कैसे करेंगे आप। देखिए, यहां पर लिखिएगा एस यू एन संडे, संडे को एस यू एन ही लिखते हैं, चलिए लिख देते हैं। और फिर यहां से नीचे आएंगे, अब चूंकि ये एक्सेल है तो इनेबल फिल हैंडल के चलते ऐसा हो जाता है, नीचे ड्रैग करेंगे तो मंडे आ जाएगा। तो अभी मैं मंडे नहीं करूंगा, यहाँ पे संडे ही कर देता हूँ टोटल। तो अभी अगर मैं इसको रिकॉर्ड करने जाता हूँ तो यहाँ पे इज इक्वल टू काउंट इफ ही लगाएंगे, फिर से वही फॉर्मूला है, ठीक है। और आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है इस तरीके से और कॉमा लगा करके और डबल कोट्स में पी लिखना है, एंटर करना है। तो यहाँ देखिए ऑटोमेटिक फाइव आ गया, देख सकते हैं, ठीक है। और ये भी ऑटोमेटिक जो है ये आपका रिफ्रेश हो जाएगा सारा डेटा और आपको ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।